करूंगी बात, घर चेंज अब करना ही पड़ेगा क्योंकि अब बात बर्दाश्त से बाहर हो रही है, बहुत ज्यादा हो गया, अब घर चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी ना कुछ और भी लेना चाह रही थी, पर यहाँ से मेरी बात नहीं बनी, यहाँ पे मुझे ऐसा मिला नहीं। सामने देखे इतनी, लास्ट टाइम इनका जो बेबी हुआ था ना माशाल्लाह, वो तकरीबन एक दिन 8-9 घंटे जिंदा रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। हाँ, अब दुआ करो अल्लाह करे इनके बच्चे हो जाए तो इतनी नहीं फेंक दे रही हूँ। बस 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 टिक जा, बस ये चमचा चला रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमजीत, मेरे YouTube चैनल वेली को। उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश रहो बाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी ऐसे दुआओं के साथ करते हैं आज के बहुत प्यारे से ब्लॉग का आगाज। तो भाई चमचमाता हुआ दिन निकल आया है, बहुत प्यारा सा, रात को तो बहुत ठंड थी उसकी वजह से हमारे पट्टे पुखे अकड़ गए हुए हैं, पर जैसे ही दिन शुरू हुआ वैसे ही थोड़ी थोड़ी गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, पर मम्मा को अभी भी ठंड लग रही है। मम्मा के सिर्फ मैं आपको पाँव दिखाती हूँ, पूरा फेस नहीं दिखा रही क्योंकि मम्मा भी सोने की तैयारी में ही है, अभी भी चादर ओढ़ के लेटी हूँ क्योंकि इनके गोडे रात को खुले रह गए, वो ठंड से जम गए। तो गंजू की हाल है, गंजू की कर जा पे। अच्छा जी, तो चले फिर। हाँ हाँ, रेमेडी से याद आया, आज की रेमेडी है मतलब के नोज पे जो ना, मतलब कह रहे काफी लोग खुश्की आ रही है, ब्लैक एड्स हो रहे हैं, व्हाइट एड्स हो रहे हैं, बड़ी गंदी बीमारी है। ब्लैक एड्स पे इतने कोई बुरे लगते हैं ना कि मैं कह रही हूँ बिल्कुल ही अजीब भद्रके से लगते हैं। तो इसके लिए आप चारकोल मास्क यूज करें, ठीक है, और हाँ मॉइस्चराइज बहुत ज्यादा रखा करें अपनी स्किन को। जैसे ही हमारी स्किन ड्राई होती है ना, तो ये हमें व्हाइट एड्स और ब्लैक एड्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इशू हो जाता है, ठीक है। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखा करें, मॉइस्चराइज रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिमूव हो जाएंगे। जैसे ही आप मुंह धोएंगे कोई ऐसा दुपट्टा लेके मार्बल का या कोई ऐसा दानेदार कपड़ा लेके, उससे आप ऐसे भी करेंगे ना तो निकल आएंगे आपके ब्लैक हेड्स, बहुत ही बुरे लगते हैं। अच्छा जी, तो मैं जा रही थी कहाँ, कहाँ जा रही थी, रुक तेरे को बता, कहाँ जा रही थी, हाँ घर चेंज करना। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ ये बात, घर चेंज अब करना ही पड़ेगा क्योंकि अब बात बर्दाश्त से बाहर हो रही है, बहुत ज्यादा हो गया। क्यों, क्या हुई, अब घर चेंज करना ही पड़ेगा, खाओ माँ कसम। तो मैं सोच रही थी मैं और मम्मा वगैरह भी जाएंगे घर देखने के लिए, क्योंकि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा काम पे चले गए, जुनेद भाई भी काम पे चले गए हैं, जाना तो हमने कल रात को ही था पर रात को लेट ज्यादा हो गई थी। तो अब मैं और दानिश भाई जा रहे हैं घर देखने के लिए, चले। तो साथ साथ मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये बात शेयर करती हूँ, काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि चलो इस तरह ही गुजारा हो जाए, इस तरह ही हो जाए, इस तरह ही हो जाए, इस तरह ही हो जाए, पर नई बात बनती नजर आई, अब घर चेंज करना ही पड़ेगा। तो अब आप दुआ करें कि जो न्यू घर हो वो हमें अच्छा, थोड़ा सा मतलब कि बड़ा और सस्ता मिल जाए, ठीक है। तो मैं चल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी साथ में ही चलती हूँ, तो चलें चलते हैं। ये देखें, ये क्या, आप उसको कुछ और भी लगाना है। हाँ। अच्छा, ये शॉपिंग के बीच में जो लगने वो है, ठीक है, साफ भी हो जाए करेगा ना इनका चेहरा। आपको पसंद आया, पक्की बात है, महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है कि भाई इंसान कुछ करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ले सकता है, ना सकता है। देखिए यहाँ का मुझे इतना पुरसकून माहौल लगता है। क्या नहीं, क्या बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, चल चल चलो भाई देखिए।
बिल्कुल। अच्छा जो काड़ा के व्यूअर्स है ना उन लोगों को पता ही होगा ये कौन कौन सी जगह है, ये मैं कहाँ जगह है ना भाई, आपको तो पता ही होगा पर मुझे खुद इस जगह का नाम नहीं पता है कि कौन सी जगह है। ठीक है बस हमें आने से मतलब बाप को मत सिखा चल है? अच्छा रोड। अच्छा ये बात सुने ऐसे नहीं लग सकता यहाँ से तो उड़ के भाग जाएंगे सही रहेगा बड़ा पक्की बात है रहेगा। जो एक आके उड़ के भाग गए तो फिर मैं क्या करूँगी क्योंकि ना डेली मैंने साफ करना होता है डेली मैंने थोड़े से ना पर काट देना नहीं वो मेरे पास है। अच्छा वो ना बताना चाहिए सर तो ये है कि चलो कटवा ही लेंगे किसी ना किसी पर मुझे लग रहा है कि इसमें चौड़ा ना जाए मुझे ज़्यादा क्योंकि ना मैंने उनकी बकेट रोज़ साफ़ करनी होती है आप लोगों को पता ही है क्योंकि मैं गंदगी बर्दाश्त नहीं करती जो रोज़ डेली साफ होता है ये वजह है। तो अच्छा मैं ना कुछ और भी लेना चाह रही थी पर यहाँ से मेरी बात नहीं बनी यहाँ पर मुझे सामने देखें कितनी प्यारी प्यारी शॉप है। अच्छा पीछे भी है ना जो ट्रॉली सोचने भी चाहिए थी वो देखें जब हम घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली अल्लाह पाक आपको खुश रखे शाद रखे आबाद रखे और अल्लाह पाक आपका दामन खुशियों से यूं ही भरा रखे आमीन सुम्मा आमीन आपका भी। थैंक अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों भाइयों बेटियों बेटो भतीजियो भतीजो भांजियो भांजो पोतियो पोतो दोतियो दोतो अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे कर दे सबकी जिंदगी खुशियों से भर दे बे औलादों को औलाद दे कर्जदारों को कर्जदारी से रिहाई दे बीमारों को शिफा दे अल्लाह पाक किराएदारों को अपना मकान दे और बीमार प्यार करने वाले दिलों को मिला दे अल्लाह पाक उनके हाथ में बेहतर तो उनकी जोड़ियां बना दे। और सुनाए आप सब कैसे हैं? सब ठीक है। आप लिपस्टिक कहां गई? क्या करे है लिपस्टिक कहां गई आपकी? आज दिल नहीं कर रहा तबीयत ठीक नहीं है मेरी। वो पता नहीं क्या वजह है मौसम की वजह से ऐसी मनहूस तबीयत और के कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ तुझे मैंने जो भेजा था वो मैं करा इच्छा वे गंजो टिंडो पांडो कालू अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम शाहजो को कैसे हो आप सब भाइयों को चाचो को मामुओं को कजिनों को सलाम अलैकुम शाहरो को वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वो आप घर के लिए गई थी क्या बना घर? घर इतना प्यारा इतना प्यारा इतना प्यारा माशाल्लाह बहुत प्यारा घर था। क्या क्या हिसाब किताब है अपने? क्या हिसाब किताब है तुझे मैंने भेजा था दानिश हो तुम दोनों गए दानिश भाई जी अफोर्डेबल ही था ना प्राइस? हाँ अफोर्डेबल है और घर भी बहुत प्यारा खुला डुला आराम से इजीली सब कुछ हो जाएगा। सोलर प्लेटें भी लगी है? हाँ पूरा पैनल लगा हुआ छत पे पंप चला लो एसी चला लो पूरा घर चला लो बल्कि ऐसा करो आले दुआले मोहल्ला भी चला लो। और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी है शादी। हाँ अभी इतना भी नहीं मिल गया कोई क्यों डिनर सेट मिल गया था? नहीं जो इतनी कह रहे कि सोलर प्लेटें लगी हुई मैं कहा और क्या तो पूरे मोहल्ले की बिजली चला लो। पकाया क्या रोटी तो खिलाई नहीं मुझे तूने? दाल गोश्त दाल थे गोश्त। अच्छा ना पता नहीं कौन पूछ रहा था मम्मा से ना कोई पूछ रहा था कि भाई क्या पकाया आपने इजी वे में नहीं बता रही उन्हें बताई आज हमने मसरी की दाल बनाई और गोश्त बनाया मैं ये नहीं बता रही कि दाल गोश्त बनाया। दाल गोश्त सीधा कह रहे हैं कौन सी दाल में डाला चना दाल चना भी गोश्त इसलिए मैंने बताया उन्होंने पूछा कौन सी दाल तो फिर मैंने कहा ना कि लाल वाली दाल गलत तो नहीं बताया मम्मा इतना औखा नहीं कैसे होता दाल गोश्त पकाया कहती दाल लाल वाली दाल और गोश्त मसूर की दाल गोश्त बनाया है। अच्छा जी तो मैं सोची थी मेरे व्यूअर को भी वो घर दिखा ही दूं दिखा दे घर चेंज करना तो पड़ना ही था एक ना एक दिन तो ये सब करना ही था तो मैंने सोचा कि कर क्यों ना लिया जाए घर चेंज करना ही था तो मैं आपको घर दिखा स्टेप था तो ये उठाना ही पड़ा बाल लिए है ना। हाँ उठवाना तो इससे था लेकिन इसने नहीं उठाया वो फिर मैंने और गंजू ने उठाया
सानू टकना मानदा सी आ स्टेप। मेरी बात सुनो, बड़े बड़ा बेटा मेरा गया मोरदी बेटा, घर के अंदर ही हमने घर बना लिया, ठीक है ना। तो ये जनसाना ये भी गई थी, अबू भी गए थे, अम्मी भी गई थी, ये रहा हमारा बड़ा घर, पुराना घर बता दो ना पहले, ये था पुराना घर, ठीक है। इसे अब हमने जो एज ए म्यूजियम तैयार कर लिया है, ये पुराना पुराने जमाने का घर हो गया, और ये हो गया नए जमाने का घर। उठाए से टटड़ाम शाम करो, शाम करो। ये बहुत शरारती है, ये वाला जो है ना, ये बहुत शरारती है, बात ही बड़ी करता है। ये देखो चीज ढूंढ रहा है, ये देखो, ये माशाल्लाह खुला पिंजरा हो गया इनका जुनसा ना, ये देखो, ये देख लो लंगर खाने आया है। ये तो होम टूर की इच्छी बिची निकाल लेता है। अच्छा जी, नहीं तो होम टूर की इच्छी बिची निकाल लेना, निकाल लेना होम टूर की, निकाल लेना, निकाल ले व्यू भाई। अच्छा तो व्यूअर्स, आप लोगों के कमेंट्स आते थे बहुत ज्यादा, इनका रूम बड़ा कर दें आप ही प्लीज, या फिर डोंट माइंड इनका घर बड़ा करें, इनका बकेट बड़ा करें। तो मैंने सोचा कि अपने बहन भाई की बात मान ही ली जाए, और ना मतलब कि इनके अंडे जो है ना बार बार वेस्ट हो रहे थे, वो मम्मा बताएंगी क्या वजह हो रही थी, तो इसके लिए मुझे ये स्टेप उठाना ही पड़ा। मम्मा बताएंगी, मम्मा कुमरों की लेडी डॉक्टर है, मैं हूँ, पर आप बताओ ना, वो गायनाकोलॉजिस्ट है। अच्छा बताओ इनके साथ क्या हो रही थी। बेचारों के अंडे हो रहे थे, जाया हो जा रहे थे, कभी वो तिलक जाते हैं, कभी ऊपर बैठ के डाल पे देते अंडा, नीचे गिरता तिलक जाता। अभी एक के चलो टोकरी भी बांध दी अंदर, जगह भी बड़ी हो गई, डाल भी निकाल दी जो छोटी। अच्छा काफी लोग ना ये भी बोल रहे थे कि इसमें ना लोहे के पिंजरे वाले में ना ये अंडा इनका नहीं रहता, खराब हो जाता, वेस्ट होता। लास्ट टाइम इनका जो बेबी हुआ था ना माशाल्लाह, वो तकरीबन एक दिन 8-9 घंटे जिंदा रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। हाँ, अब दुआ करो अल्लाह करे इनके बच्चे हो जाए। तो इतनी सैड बात मैं अपने व्यूअर्स को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं व्लॉग में खुशियाँ बांटूँ, अच्छी अच्छी बातें बताऊँ, ताकि आपका दिल खुश हो, और आप जो मुझे बताएं मेरा उससे दिल खुश हो। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज्यादा हो रही थी, तो फिर आज ये हमारे के साथ, वो भी तो मेरे काके ही ना छोटे से, मैं उन्हें बच्चों की तरह मानती, तो मेरा बहुत ज्यादा दिल दुखता था, तो मैंने सोचा कि टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि आज ही कर ही लिया जाए काम। चलो फिर हमारे दिया पुत्रा, ओके कमेंट सुना दो दिया पुत्र, किया खेन देने 10 चमोड़ मेरा पोतर, ये अभी आपको ना छेती 10 चढ़ा बहुत है। मिसेस हैरिस, हाँ जी जी, क्या बोल रही हैं आप ही जी, भाभी क्यों नहीं नजर आ रही, ये बैठे गिटक कब से जा रही हूँ। आप बहुत प्यारी हैं, माशाल्लाह, आई लव यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी हैं। अच्छा मदिया बेटी, मदिया निसार, जजाकल्ला मामा, आप भी पापा के साथ जाएंगी उम्रा और हज करने, और अल्लाह पाक आप सबको, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और खुश रखे, आमीन सुमा, आमीन सुमा, आमीन, आपको भी बहुत खुश रखे अल्लाह पाक, अल्लाह पाक आपके नसीब में भी उम्रा और हज की सादत नसीब, हम सब के इंशाल्लाह, आमीन सुमा। अच्छा अतिया बेटी है, सलाम माय स्वीट एंड क्यूट फैमिली, कैसे हैं आप सब, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। हिरा कब, बहुत कबाब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच कुक मास्टर, हाँ जी आई लव यू सो मच। हालांकि मैं कुकिंग ना बड़े बड़े वलहाना तरीके से करती हूँ, कोई नाज अंदाज वाला कोई स्टेप नहीं होता मेरे अंदर। हाँ। जो मतलब कि देख के पकाते होते ना, ऐसे पानी रोड़ दिया, एक मिनट, अच्छा नहीं फेंक दे रही हूँ, बस 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 टिक जा, बस ये चमचा चला रही। अच्छा नहीं मैं जल्दी जल्दी मैं काम कर दी, बस जो हाथ में लगा वो कर दिया, नॉनस्टिक बर्तन में कैसे चल रही है, ऐसे नहीं होता मुझसे, खाना ऐसे ही पकता है, नाज अंदाज करेंगे ना, ऐसे नहीं होता मुझसे ना।
सही पकड़े हैं ऐसे ऐसे। तुम कहोगे आज नमक नहीं सही है, आज चीनी नहीं सही है, आज ये नहीं सही है। आ, मामा फिर जब जज्बे से करनी पड़ती कुकिंग। ऐसे ऐसे नहीं होता मुझसे ना, ऐसे ऐसे नहीं होता। ऐसे ऐसे करूंगी तो गैस चली जाएगी, फिर बैठे रह जाओ होटल के पहले। तो इसलिए काम करना पड़ता है। देखिए भाई की पहले पहले आप इसी चक्कर में गाड़ी निकल। घोड़े भी किस तरह निकालती। हाँ जी तैयार होती है ना ये। भाभी जान अपने घर गई थी तो हमने एक ही दिन में सारा कुछ करा अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली हालांकि ये होती तो बेचारी, मैंने कहा था ना ये इतनी मनहूस है ना, कोई काम नहीं करती, मतलब ना लहसुन छीलती है ना अदरक छीलती है, कुछ भी नहीं करती। ये भी बस आप ही बता देंगे कि एक दिन पहले के क्या बयान आते हैं। मैं कह रही हूँ कुछ भी नहीं करती, बस देखती रहेगी। नहीं ये नहीं सारा काम करती, कुछ नहीं करती। कोई भी हमारे लड़ता होता और कौन लेगा। मैं लड़ूंगी भी मरूंगी भी, मैं भी लूंगी। मरे लड़ो तो लड़ना भी है, लड़ने कहाँ जाऊंगी मैं, लड़ूंगी भी। जहाँ लड़ाई होती है अच्छा मेरा गांजू हूँ दासी शौक नाल। वो जरा भी गेम बाहर थोड़ा सा पान लेने। हाँ जी अच्छा। तो व्यूअर्स आपको मैंने दिखाया अभी था, पता है जिस शॉप में मैं पहले गई थी ना, इतने बड़े बड़े पिंजरे थे बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा इतना बड़ा मैंने पिंजरा क्या करना, उसके मुताबिक ना ये भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। पर व्यूअर्स की फरमाइश थी कि वो बोलते थे आप ही इनका थोड़ा सा बड़ा करें, रूम इनका रूम बड़ा करें। पीछे फिर के या बिठाया उसे और आप लोग बताना कि ना कैसा है इनका घर, ठीक है या क्या करना चाहिए अब आगे। काफी लोग यही कह रहे थे कि बेबी अब इसमें ही देंगे, अगर उनका बेबी बार बार डेड हो जाता अब इनका ना रूम चेंज करे। तो फिर मैंने कर दिया है ना। मतलब कि इसमें भागीदारी किस किसने लिया, देख रहे हो? ने, हीरा ने और दानिश ने। हाँ जी हाँ जी तीनों बहन भाई मिलकर लेके मतलब आने जाने का किराया दानिश भाई ने उठाया और इनके रूम का खर्चा हम दोनों ने उठाया। देख ले देख रहे हो, वो भी देख रहे हो अंदर ब्लॉग चल रहा है। वो थोड़ा सा छजू के दोनों अंदर ही देख रहे हैं। उसे मार मार के बकेट में बिठाया। अच्छा साइड पे है उसने बिठाया बोल बोल के। अच्छा जी व्यूअर्स, तो आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। एक दूसरे से बार बार मिलते रहे। इसके साथ ही हम सबको इजाजत मिलता है नेक्स्ट ब्यूटीफुल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।